नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे ट्रांसफार्मर के बारे में और इसमें मेन टैंक क्या होता है, ट्रांसफार्मर कोर क्या कहलाता है, वाइंडिंग क्या होता है और ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, टर्मिनल एंड बुशिंग क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक या एक्सपेंशन टैंक किसे कहते हैं, ब्रीथर क्या होता है और कूलिंग ट्यूब क्या कहलाता है या रेडिएटर क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन वाल्व क्या होता है और टैप चेंजर क्या होता है, इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में मैं डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों मेन टैंक। दोस्तों ट्रांसफार्मर में ये जो बड़ा सा टैंक दिख रहे हैं इसे मेन टैंक बोलते हैं और इसमें अंदर ट्रांसफार्मर होता है, कोर होता है, कोर के साथ में वाइंडिंग किया होता है। तो देख सकते हैं कि ये है कोर और इस तरह का ये पत्ती होता है, तो बहुत सारे पत्तियां मिलाकर और मोटा कर लिया जाता है और इसके ऊपर से वाइंडिंग होता है, कॉपर वाइंडिंग। ठीक है, तो ये पत्ती की मोटाई लगभग 0.5 mm होता है। यहाँ देख सकते हैं इसके पत्ती के ऊपर एक बारिश जैसा लेप चढ़ा हुआ है, तो ये बारिश दिया जाता है कि ये आपस में टच ना हो, अलग अलग रहे ताकि एडी करंट लॉस जो है ये ज्यादा ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर है एक, तो यहाँ पर ये जो पत्ती लगा है कितना मोटा करके लगा हुआ है, तो इसी तरह का बहुत सारे इस तरह का पत्ती जोड़कर और मोटा कर लिया जाता है और इस तरह का वाइंडिंग देख सकते हैं कि यहाँ वाइंडिंग है, वाइंडिंग के जरिए इसमें फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो एक वाइंडिंग से और कोर की सहायता से देख सकते हैं, कोर की सहायता से एक वाइंडिंग से जो फ्लक्स है दूसरे वाइंडिंग में पहुंचता है, यानी एक वाइंडिंग में हम करंट देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे वाइंडिंग में भी करंट आ जाता है, तो इस तरह का वाइंडिंग किया होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि कोर और वाइंडिंग क्या होता है, कोर और वाइंडिंग जो है इसके अंदर होता है और इसको पूरी तरह ऑयल से कवर किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। ट्रांसफार्मर ऑयल एक तरह का मिनरल ऑयल होता है, कोई आम ऑयल नहीं होता है, वो मिनरल ऑयल होता है और उसको हम नेथा ऑयल बोलते हैं। और ऑयल का दो मुख्य काम है, पहला कि इस अंदर जो रखे ट्रांसफार्मर है उसको कूलिंग प्रदान करना और दूसरा इंसुलेशन कंडक्टिविटी बनाए रखता है ताकि इसके अंदर ईडी लॉस करंट हाई ना हो, ज़्यादा ना हो, इसलिए इसके अंदर ऑयल पूरी तरह भर दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे टर्मिनल एंड बुशिंग के बारे में। दोस्तों जब 11000 वोल्ट करंट जहां पर दिया जाता है, तीन पॉइंट होता है, अगर थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है तो तीन पॉइंट होता है जिसके अंदर इन किया जाता है लाइट को, तो ये जो सिस्टम लगा होता है इसे हम टर्मिनल बुशिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का टर्मिनल होता है और साथ में बुशिंग किया होता है ताकि डायरेक्ट इसके बॉडी से करंट टच ना करे और ये अलग रहे, नहीं तो ये शॉर्ट सर्किट होने लगेगा। तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये इस तरह का बुशिंग लगाया जाता है। उसी तरह का आउटपुट करंट के लिए भी यहाँ बुशिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं कि यहाँ पर बुशिंग दिया हुआ है, साथ में यहाँ टर्मिनल लगाया हुआ है और इसके अंदर से वायर यहाँ से आउटपुट हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंजर्वेटर टैंक के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों ट्रांसफार्मर में दो तरह का टैंक आता है, पहला मेन टैंक जिसमें ट्रांसफार्मर रखा होता है और दूसरा एक ऊपर साइड में टैंक लगा होता है, इसे कंजर्वेटर टैंक या एक्सपेंशन टैंक भी बोलते हैं। दोस्तों मेन टैंक में जो ऑयल भरा होता है और ये पूरी तरह कवर्ड होता है, ये इस बिल्कुल भी कहीं से अंदर हवा जाने के लिए जगह नहीं छोड़ा होता है और ना ही ऑयल लीक करने के लिए जगह छोड़ा होता है, ये पूरी तरह पैक होता है। इसलिए जब ये लोड में होता है तो ये इसका अंदर का जो ऑयल होता है ये काफ़ी गर्म होने लगता है और ये खौलने लगता है, तो खौलने कारण इसका जो ऑयल है ये एक्सपेंड होता है, यानी फैलता है। तो अगर ये पूरी तरह पैक रहेगा और अंदर ऑयल गर्म रहेगा तो ये फट सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पर एक कंजर्वेटर टैंक यानी एक्सपेंशन टैंक दिया होता है। जब ही एक टैंक का ऑयल गर्म होता है तो ऑयल फैलता है और बढ़ता है और बढ़ने का कारण इस पाइप के जरिए इसके अंदर में चला जाता है। तो इस टैंक में लगभग आधा ही ऑयल रहता है, सिर्फ आधा ऑयल रहता है, ताकि जब ही ये टैंक वर्किंग मोड में हो और इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ऑयल थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है, और जब ये ठंडा होता है यानी ये बंद रहता है ट्रांसफार्मर, तो इसका ऑयल जो है ये कम हो जाता है। तो ये एक रिजर्व टैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है एक तरह का ढक्कन लगा होता है ताकि
इसके अंदर जो धूल डस्ट कचरा जो बैठा होगा इसको सफाई और निरीक्षण करने के लिए इसको खोलकर अंदर देख सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, इसलिए दिया होता है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ऑयल लेबल गेज होता है, यहाँ पर ऑयल को चेक किया जाता है कि कितना ऑयल है, तो यहाँ से ऑयल चेकिंग किया जाता है। अगर दोनों साइड के बीच में अगर यहाँ कहीं भी इसमें ऑयल हो तो समझते हैं कि इसमें ऑयल पूरी तरह है। अब जानते हैं दोस्तों ब्रीथर। दोस्तों जब भी ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो यहाँ से होते हुए ऑयल ऊपर आता है, इसमें ऑयल बढ़ता है, लेकिन इसके ऊपर खाली जगह होता है, खाली जगह में हवा भरा होता है। तो जब ये ऑयल उठता है तो हवा को प्रेस करता है, तो हवा को बाहर निकलना जरूरी होता है। तो उस हवा को बाहर निकलने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पाइप लगाया हुआ है, इस पाइप के जरिए यहाँ से हवा बाहर को निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब ट्रांसफार्मर बंद होता है, जब ऑयल ठंडा हो जाता है तो इसमें का ऑयल का स्तर डाउन होता है, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है और यहीं से हवा अंदर फिर अंदर जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें अंदर मॉइचर नहीं जाना चाहिए, ट्रांसफार्मर के अंदर में मॉइचर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उस मॉइचर से बचाने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि एक डब्बा लगाया हुआ है और डब्बे में सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल का प्रॉपर्टी ऐसा होता है दोस्तों कि वो नमी को अपने में सोख लेता है और शुद्ध हवा अंदर को जाता है। तो जब ये गर्म होता है और ऑयल ऊपर को आता है तो हवा बाहर निकल जाता है, और जब ये ठंडा होता है, ऑयल ठंडा होता है, जब डाउन होता है तो अंदर से इधर से हवा लेता है और सिलिका जेल से होते हुए यहाँ नमी सोख लिया जाता है और शुद्ध हवा अंदर जाता है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि एक तरह का ढक्कन लगा है, इसमें ऑयल भरा जाता है ताकि अंदर से धूल और डस्ट से इसके अंदर जाकर चिपक जाए और अंदर सिर्फ शुद्ध हवा अंदर जाए। ठीक है, तो ये ब्रीथर है, एक तरह का ये सांस लेने का काम करता है, इसे सांस छोड़ता है और अंदर लेता है, तो इसे ब्रीथर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सांस लेने का काम करता है, एक तरह का ये ट्रांसफार्मर का नाक कह सकते हैं। इसमें जो सिलिका जेल भरा हुआ है ये नमी को सोख लेता है। तो सिलिका जेल नॉर्मली ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि ये पिंक कलर का हो गया है। पिंक कलर का मतलब दोस्तों कि ये चेंज करने लायक हो गया है, ये पूरी तरह नमी सोख चुका है, अब ये चेंज करने का निशान बता रहा है। जब ये पिंक कलर हो जाए, ब्लू से पिंक कलर हो जाए, तो समझ जाइए कि इसको चेंज करना बहुत ही जरूरी है। अब इससे ज़्यादा ये नमी नहीं सोख सकता, देख सकते हैं इसमें बड़े बड़े टुकड़े नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे दाने होते हैं लेकिन इतना नमी सोख लिए हैं कि बड़े बड़े टुकड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये पूरी तरह पिंक हो गया है, अब इसे चेंज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि यह है कूलिंग ट्यूब, इसे कूलिंग ट्यूब बोलते हैं। इसका मेन काम है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल गर्म होता है उसे ठंडा करने का काम करता है, इसे रेडिएटर भी कह सकते हैं, तो इसे रेडिएटर भी कह सकते हैं। और इसके अंदर का जो ऑयल है यहाँ से होता है, आता है और इसके अंदर से गुजरता है, एक तरह का ट्यूब होता है, पतला पतला ट्यूब होता है, इसके अंदर से हवा गुजरता है और ट्यूब से कंटेक्ट होकर इसके अंदर ऑयल भरा होता है और ये ठंडा होकर वापस चला जाता है मेन टैंक में, यानी ये ऑटोमेटिक होता है, एक तरफ से इसमें ऑयल आता रहता है और ठंडा होकर फिर से अंदर जाता रहता है, तो इसे रेडिएटर या ऑयल कूलिंग ट्यूब कहा जाता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि एक पाइप लगाकर और यहाँ पर एक कैप लगाया होता है। ठीक है दोस्तों, इसे एक्सप्लोजन वाल्व कह सकते हैं। तो इसका मेन कारण होता है बाय चांस अगर ट्रांसफार्मर के अंदर के वाइंडिंग में कोई फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसका अचानक ऑयल अंदर खौलने लगता है और खौलने कारण इसका ऑयल तेजी से वाफ बनता है और उड़ता है ऊपर की तरफ, तो वो ब्रीथर के तरफ से नहीं निकल सकता, इतना तेजी से होगा कि ब्रीथर के जगह से वो नहीं ऑयल पास कर सकता, इसलिए ये एक्सप्लोजन जो वाल्व है ये यहाँ से खुल जाता है और वह बहुत तेजी से ऑयल जो है ये बाहर निकलने लगता है, क्योंकि इसमें गर्म होने कारण प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ से फट जाता है और यहाँ कमजोर हिस्सा होता है, यहाँ से फट कर और बाहर ऑयल निकल जाता है ताकि ज़्यादा शॉर्ट सर्किट ना हो और आग ट्रांसफार्मर में न लगे, इसलिए ये एक्सप्लोजन पाइप दिया जाता है या एक तरह का वाल्व होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम टैप चेंजर के बारे में। टैप चेंजर दोस्तों साइड में लगा होता है और इसका मुख्य काम है आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना, अगर वोल्टेज कम हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन
इस टैप चेंजर में दो तरह के टैप चेंजर आते हैं, पहला ऑन लोड टैप चेंजर और ऑफ लोड टैप चेंजर। तो ऑन लोड टैप चेंजर में अगर ये ट्रांसफार्मर लोड पे होगा तभी इसे चेंज कर सकते हैं, यानी लोड हटाना नहीं पड़ेगा, लोड को डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑन लोड में इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसके वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। और ऑफ लोड टैप चेंजर होता है उसमें लोड को पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है, तब जाकर इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये अंतर होता है कि एक ऑन में ही इसे चेंज कर सकते हैं वोल्टेज को, और ऑफ लोड में इसके लोड को ऑफ करके फिर इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये है टैप चेंजर। टैप चेंजर वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए दिया होता है। दोस्तों अब हम जानते हैं बुकोज रिले के बारे में। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ पर लगता है, यानी मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में इस पाइप में लगाया होता है, इस पाइप में लगाया होता है बुकोज रिले। उसका मेन कारण है दोस्तों कि अगर इसके ऑयल में कोई भी हलचल होता है तो उस ऑयल के हलचल को ये रीड करता है और उसके हिसाब से अलार्म देता है या सिग्नल देता है। अगर कोई ज्यादा फॉल्ट हो इसमें और इसमें ज्यादा हलचल हो इसके ऑयल में, तो कभी कभी इसका जो मेन सप्लाई है उसका स्विच उसे कनेक्ट होता है तो ये इसको ऑफ कर देता है। ठीक है, एक तरह का रिले होता है इसलिए उसे कनेक्ट होता है, इस स्विच से कनेक्ट होता है और इसे ऑफ कर देता है मेन सप्लाई, यानी कि इसका जो मेन सप्लाई है ये पहले ही इसे काट देता है और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करने से या इसमें ज्यादा कोई फॉल्ट होने से बच जाता है। तो यहाँ पर ये बुकोज रिले लगाया जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर बाई चांस कहीं खराब हो जाता है तो इसका अंदर का जो ऑयल है उसे ड्रेन करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एक नीचे साइड में वाल्व दिया होता है जिसे ड्रेन वाल्व कहते हैं, और यहाँ से ऑयल को ड्रेन किया जा सकता है, क्योंकि ये नहीं होगा तो अंदर से ऑयल निकालने में दिक्कत होगा, इसलिए नीचे से एक वाल्व दिया होता है ताकि नीचे से ऑयल को ड्रेन किया जा सके। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑयल नहीं दिखा रहा, यानी कि इसमें ऑयल कम हो गया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल दोस्तों इसमें डालना है 25 से 30 सेल्सियस के ऊपर, यहाँ सेल्सियस लिखा हुआ है, टेम्परेचर का ग्राफ है, तो 25 और 30 के बीच में ऑयल को डालना है, क्योंकि जब भी इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और एक्सपेंड होता है इसका ऑयल गर्म होने के कारण तो ये बढ़ता है, इसलिए इसको इतना ही पर रखेंगे ताकि जब ये फैले और बढ़े तो यहाँ तक आए, यानी इसमें खाली जगह होना चाहिए, इसलिए इसको 25 और 30 के बीच में ही ऑयल को भरना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे खोलकर हम यहाँ देख सकते हैं कि कैप लगाया होता है, तो इस कैप को खोलकर हम ऑयल इसमें डाल लेते हैं। डाल को आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना ऑयल हमने भरा है, तो इसे खोल लेते हैं और इसमें से हम इसके थ्रू हम ऑयल डालेंगे। देख सकते हैं कि हम ऑयल को डाल रहे हैं और ऑयल जो है कितना लगेगा ये अंदाजा नहीं मिलेगा जब तक इसमें डालेंगे नहीं, तो हम इसमें डाल रहे हैं। देख सकते हैं तो ये बोतल में आया है, इसका 200 लीटर का भी आता है तो उसमें से बोतल में भरकर आया है, तो कितना आएगा ये लगाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना आ रहा है, तो इसमें हम देखते रहेंगे। एक बोतल 2 लीटर का ख़त्म हो गया है, हमने ऑयल इसमें डाल दिया है, ट्रांसफार्मर ऑयल को डाल दिया है, और इसमें हम देखते हैं कि 30 लेवल पर मैंने डाला है, 25 से 30 के बीच में डालना है, तो मैंने 30 के ऊपर, लगभग 30 से थोड़ा सा नीचे है, 30 के आसपास डाला है। जब ये गर्म होगा और ऑयल जो उठेगा तो इसके ऊपर जाएगा, और जब ठंडा होगा तो यहाँ चला आएगा, नीचे चला जाएगा, 30 के आसपास चला आएगा। तो इस तरह हम दोस्तों ट्रांसफार्मर में ऑयल को फिल कर सकते हैं, एक खास लेवल तक ही ऑयल को रख सकते हैं, इसको फूल नहीं करना है। फूल करेंगे तो यहाँ से सिलिका जेल से होते हुए ऑयल यहाँ नीचे गिरने लगेगा, तो इसको फूल नहीं किया जाता। ये एक रिजर्व टैंक के रूप में काम करता है, जब इसमें कम होता है तो यहीं से जो ऑयल है चला जाता है। ठीक है, इसका वाइंडिंग खाली नहीं रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा।